मॉर्निंग गाइस, एक नए दिन और एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। टाइम हो गया है 6:49। वियान सो रहा है अभी। हमारी पैकिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम लोग निकलने वाले हैं बनारस के लिए। 1000 किलोमीटर का रोड ट्रिप। यस, मनीष बाहर परेशान हो रहा है क्योंकि गाड़ी की चाबी मेरे पास है और भाई साहब सामान रखने गए हैं। तो निकलते हैं फिर हम लोग जब रोड को हिट करेंगे, देन एक छोटा सा दिल्ली को छोड़ते हुए व्लॉग बनाएंगे। गाइस, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और बनारस से रवाना हो गए। तो इसी बात से सब लोग एक बार बोलो, हर हर महादेव मोरिया। निकलते फिर रास्ते पे कुछ अगर दिखाने लायक होगा तो दिखाएंगे और बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे आप लोग को। ये वियान का पैर आ गया है सामने, ठीक है, सामने सीपी है और मिलते हैं भाई लोग। हम लोग यहाँ क्रॉस कर रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, ये आपके राइट में। देखो यार, इतना घूम के ना अजीब से पोजीशन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, लाइक कर देना इसके लिए। ये चल रहा है हमारा गाजियाबाद का रोड, नहीं सॉरी, ये तो नोएडा जाएगा। ये दिखा रहा है हम लोगों का जर्नी 11 घंटा 2 मिनट, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी सुबह से चल रहे हैं और हम लोग अराउंड 29 किलोमीटर चल चुके हैं हाफ एन आवर में। बताओ यार, इतनी खाली रोड, 60 का एवरेज स्पीड आ रहा है। माइलेज 30 का दे रही है हमारी किया सोने। माइलेज अभी 20.5 वो तो वो है डिस्टेंस। गाड़ी चल रही है चाप पे हमारी। ये है नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस। गाइज, हम लोग को दिल्ली से निकले हुए तो हो गया है 1 घंटा 1 मिनट और हमने कवर कर लिया अराउंड 77 किलोमीटर। और अभी तक ये ड्राइविंग हैंडल्स मेरे ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा नहीं हूँ अभी तक। एंड हम लोग यहाँ पे बस आगरा से अराउंड 100 किलोमीटर दूर हैं। ड्राइविंग सीट तो अभी मुझे मिली नहीं है, पता नहीं कब मिलेगी, देखता हूँ। हम लोगों ने लिया है अभी पहला फ्यूल स्टॉप, समझे। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे एक भी प्रॉपर ब्रेक नहीं लिया, फ्यूल स्टॉप लिया है। तो अभी यहाँ पे टंकी हम लोग करा लेंगे पूरा ऊपर तक फुल और उसके बाद फिर निकलते हैं हम लोग आगे के। तो गाइस, यहाँ पे वियान की गुड मॉर्निंग हो गई है फाइनली 1-2 घंटे के बाद। मेरा भी चश्मा खो गया था, वो भी मिल गया, मैं उसी पे बैठा हुआ था। बट वो जो छोटा सा गैप होता है ना, उसे फंसा था, कुछ हुआ नहीं, बच गए। और वियान यहाँ पे पिंक कलर का टॉवल ओढ़ लिया है, तो मतलब कंबल है ये। देखो ये बना हुआ है पिंक ब्यूटी, ऊपर से नीचे तक अपने को ढक लिया है पिंक ब्यूटी। कुछ बोलना चाहोगे? सोने जा रहा है, ये सोने जा रहा है भाई साहब। तो फिर आप लोग ऐश करो, हम लोग जाते हैं सोने, मतलब यहाँ जा रहा है सोने। तो गाइस, अभी हम लोग रुके अपने पहले ब्रेक के लिए, जो कि ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर हम लोग चला चुके थे। सुबह से कुछ हो नहीं रहा था तो मुझे यार एक कप चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे तो यार पता नहीं, उधर से आओ तो बहुत अच्छा सा आता है, वहाँ पे बीकानेर वाला भी है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे ठीक है, सीसी भी है और कुल्लर चाय है, सब कुछ है। ये यार यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था पहले, तो ठीक है क्या करते यार। तो हमने ना पहला ब्रेक लिया, लेकिन वहाँ पे ना सब फर्जी लिखा हुआ था कि ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल, उनके पास कुछ भी नहीं था। हम लोग वहाँ से निकल गए और बयान यहाँ बैठ गए पीछे मनीष अंकल के साथ। हाय कर दो बयान भाई लोग। अब हम लोग एंट्री कर चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्रेसवे है। और इस पे बीच में ना एक हवाई स्ट्रिप भी आती है, एयर स्ट्रिप भी बनी हुई है, अराउंड वो 12 किलोमीटर की है। तो वो जब आएगा ना तो वो मैं दिखाऊंगा कि ये नॉर्मल जो एक्सप्रेसवे चल रहा है और उसमें क्या फ़र्क है। ये देख लो अभी एक्सप्रेसवे, फिर जब वो आएगा तब मैं दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, पूरी यमुना में बाढ़ आई हुई है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। हल्का हल्का दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये जो दूर जो दिख रहा है ना, जो इतना पानी सफ़ेद सफ़ेद, ये पूरा का पूरा पानी है। इतनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई, इतना पानी तो हो गया मैंने कभी ना देखा ये बोला हुआ।
एक छोटा सा ये क्लिप लगा रहा हूँ, इतनी ग्रीनरी दिख रही, इतना सुंदर दिख रहा है ना, मतलब हो सकता है मोबाइल इसको जज ना कर पाए, बट जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन इट इज़ लुकिंग ऑसम, बहुत अच्छा लग रहा है ना आंखों के लिए, इतना सूदिंग है ना, क्या बताएं। फाइनली एक ब्रेक लिया हमने 306 किलोमीटर के बाद, और टाइम लगा हमें सिर्फ 3.5 घंटा। ये यहाँ पे होप सो यहाँ पे कुछ अच्छा मिले खाने को हमें, होप फॉर द बेस्ट। हेलो, फिर 300 किलोमीटर के बाद ड्राइवर का आदान प्रदान हो चुका है, और प्लीज़ अगर हो तो यहाँ पे मत रुकना कभी, मतलब कि आप गाड़ी में बैठ के खा लो, यहाँ मत खाना। इन सालों ने, 3 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ, कभी एसी नहीं बनवाया, इतना बेकार कंडीशन है। तो गाइस ये एयर स्ट्रिप स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, ये 12 किलोमीटर का पैच है जहाँ पे फाइटर प्लेन लैंड कर सकती है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे है ये टेम्पररी डिवाइडर बनाया हुआ है, नहीं तो ये पूरा उस साइड मिला के दोनों तरफ का एयर स्ट्रिप है यहाँ पे। डिवाइडर बना नहीं है, टेम्पररी ये लगाया हुआ है डिवाइड करने के लिए, कभी भी वॉर में अगर कंट्री जाती है तो यहाँ पे लैंड हो सकती है, फ्लाइट्स फाइटर जेट्स लैंड हो सकती हैं, यहाँ पे ट्रायल भी हो रखा है फाइटर जेट का। तो अगल बगल कोई फेंसिंग नहीं है? हाँ, कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर। और पीछे हमारे बयान भाई साहब, हाय बयान, सो गए बयान। तो भाइयों, नवाबों की नगरी लखनऊ में है आपका स्वागत। हम लोग लखनऊ में के अंदर आ गए हैं थोड़ा, और इधर आने के दो कारण हैं, एक तो लखनऊ आपको पार करना होता है बनारस जाने के लिए, दूसरा यहाँ पे हम लोग सोच रहे कहीं लंच करते हुए फिर आगे जाएं, क्योंकि यार गर्मी है बहुत ज़्यादा, कहीं और बैठ के खाना खाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी, जैसे अभी खाए थे। अभी हम लोग रुके हैं यहाँ पर जश्न बहारे आदाब दस्तरखान, यहाँ का जैसे सबको पता होगा चिकन नॉर से बहुत फेमस है। यहाँ पे हम लोग एक क्विक लंच करेंगे, लंच करके फिर आगे निकलेंगे बनारस की जर्नी को पूरा करने के लिए। यानू, ये भाई साहब यहाँ सो गए हैं। अभी हम लोग खाना वाना खा के निकल लिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका यूपी का दूसरा हाई कोर्ट है, मतलब कि इलाहाबाद मेन हाई कोर्ट है, और यहाँ पे हाई कोर्ट का एक बेंच बैठता है। पता है पहले जब मैं छोटा था ना, तो हम लोग का घर है ना एक्चुअली यहाँ पे, तो जब सब लोग कहता था ना यहाँ एक बेंच बैठने वाला है, तो मुझे क्या लगता था जो स्कूल में बैठते हैं ना वो एक बेंच बैठने वाला है। ये है लखनऊ का इंटरनेशनल स्टेडियम, आप देख सकते हो कितना ही सुंदर और कितना ही बड़ा है ये। और ये आया नहीं, ये लुलू मॉल नहीं है, फिनिक्स है। पूरा घूमना पड़ा क्योंकि ये यहाँ से आगे पुल है, पुल की। दोस्तों, हम लोग का बनारस में एंट्री हो चुका है, और जी हाँ, ये हमारा बनारस है, इतना सुंदर सा यहाँ पे। अब हम लोग रिंग रोड पकड़ेंगे। अब यार ये देख रहे हो स्काई का कलर कितना अच्छा लग रहा है, मेरी तो खैर पीछे बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई यार, देखो इतना बढ़िया लग रहा है ना यहाँ पे। बस यहाँ से फिर हम लोग राइट लेंगे, राइट लेके आउटर रिंग रोड पकड़ के हम लोग चले जाएंगे आगे की तरफ। तो गाइस ये ट्रक आ गई है हमारी, अब अनलोडिंग का सामान चालू हो रहा है, अनलोडिंग का काम चालू हो रहा है, ये है ना, धीरे धीरे करके भैया पूरा दिन लगा दिया है।